सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों आइए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसी अनोखी जगह पर जिसे उत्तराखंड का श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका नाम सुनकर आप ये सोचेंगे कि मैं किस श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो सुनाने और जो दिखाने ले जा रहा हूँ वो सब सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड की लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है श्रीलंका टापू। वैसे ये नाम इस गांव का हमेशा से ही श्रीलंका नहीं था। इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में अनोखी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए मैं पहुंच गया हूं उस लास्ट बॉर्डर पे जो कि जिसे श्रीलंका टापू कहा जाता है। ये जो गौला नदी बह रही मेरे सामने जो आपको नज़र आ रही है, इसके पार जो है वो श्रीलंका टापू जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल कट जाता है बरसात के बाद। फिलहाल अभी बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है, तो आज मैंने यहाँ पर जा कर के वहाँ के लोगों का हाल चाल, वहाँ के लोगों की दिक्कत परेशानियों को आपके सामने साझा करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन मुझे अभी रास्ता नहीं मिल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ रास्ता मुझे मिल जाए। सामने कुछ दिख तो रहा है मुझे, लेकिन उसका रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी देखता हूँ, ये बीच में नदी भी है, नदी पार करके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके पार ये गौला नदी ने सन 1985-86 में एक भयंकर बाढ़ आई थी, तो उसमें अपना एक रास्ता इस गाँव को काटते हुए रास्ता बना लिया था दूसरा। तो ये जो श्रीलंका टापू है इन दोनों नदियों के बीच में है, तो इस वजह से इसको श्रीलंका कहा जाता है। तो चलिए बाकी चीज़ें वहाँ पहुँच के आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा। पहले मुझे रास्ता मिल जाए, कोई मुझे दूर दूर तो दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूँ। चलिए अंदाजे से निकलता हूँ। तो एक बाइक वाले मिल गए थे मुझे अभी, ये वहीं को जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे मैं लग रहा हूँ। किस्मत से मिल गए ये। देखिए मौसम भी बड़ा ख़राब है, अगर बाढ़ आ गई तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए इस तरह इसके तरीके से नदी पार की जाती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस नदी को मैं अभी पार करूंगा, हालांकि ज़्यादा पानी अभी नहीं है, लेकिन जब पानी बढ़ जाता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं गवाता हूँ क्योंकि बारिश भी आने वाली है और उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ गाँव में। ये देखिए एक और नदी आ गई। ये देखिए अब मुझे इस नदी को पार करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। देखिए अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, नदी इतनी ज़बरदस्त आई हुई, जबकि अभी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती होंगी तब उसके बाद कैसा होता होगा, कैसे ये लोग पार आते होंगे, कैसे स्कूल हॉस्पिटल और अपने ज़रूरी कामों के लिए लालकुआ या हल्द्वानी जाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए बाकी चर्चा इस क्षेत्र में पहुँच करके यहाँ के लोगों से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आखिरकार दो राउंड नदी पार करके मैं ऐसे पहुंचा हूं। देखिए मेरे पूरे जूते तो में पानी भर गया, देखिए अंदर तक आप देख सकते हैं। मेरे को पहले ही दिन में मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। ये लोग जो अपनी दिनचर्या रोज़ यहां पर अपनी जीते होंगे, अपनी ज़िंदगी को जीते होंगे, इस एक तरह से शापित ज़िंदगी को ये लोग यहां पर जी रहे हैं, तो वो देखना बड़ा मेरे लिए दुखदाई होगा और आपके लिए दिलचस्प भी होगा। तो चलिए चलते हैं, अब मुझे रास्ता मिल गया है, इसके बाद जो होगा भगवान के भरोसे है, देखा जाएगा। ओके तो ये देखिए अब गांव की सीमा शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूँ अभी यहाँ, बस एक ऐसे ही आइडिया से मैं निकल पड़ा हूँ। कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खुद ही अकेले ही बना लूँगा। तो अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही आपको रिपोर्ट देने की मैं कोशिश करूँगा जो जैसा मिल जाए।
अब थोड़ा सा पक्का रास्ता यहाँ पे आया है। तो चलिए, थैंक गॉड किसी तरह से आबादी यहाँ पे शुरू हुई है। अब मैं लोगों से पूछता हुआ जाता हूँ। पहला गांव भी दिखाई दिया। असल में हमारे पिताजी लोग यहाँ पर जो है सन 87 से जो है 1987 जो है आए हुए हैं, और आज सन 87 से लेकर के लगा लीजिए समय कितना हो गया, 23 का टाइम है, और सन 1984 में यहाँ पे पूरा गांव था। उस टाइम पर 84 से खुरिया खत्ता, बिंदु खत्ता, खुरिया खत्ता से इस क्षेत्र को अलग किया गोला नदी ने, और 87 से हम लोग हैं, और कुछ लोग सन 84 से पहले के हैं यहाँ पर, अभी परिवार हैं, 4-5 परिवार पहले के हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर हेलीकॉप्टर से यहाँ से उठाया गया था लोगों को, तो वो लोग भी अभी मौजूद हैं। अब उनके बच्चे हैं, बूढ़े लोग तो हैं नहीं, और हम लोग भी यहाँ पर 87 से यहाँ पर आ चुके, बस गए, और टोटल परिवार यहाँ पर हमारे जो हैं 40 परिवार हैं, जिसमें से 28 परिवार हमारे जो है उत्तराखंड कुमाऊँ के हैं, और 12 परिवार जो हैं हमारे यूपी सेट के, पूरब सेट के लोग हैं। और समस्या हमारे यहाँ पर उत्तराखंड अलग होने के बाद हमें उम्मीद थी कि बहुत हमारे यहाँ पर जो है अब काम ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ भी बिंदु खत्ता की वजह तरह से बिजली आ जाएगी, सड़कें आएंगी, बिंदु खत्ता का क्षेत्र ये भी है, तो लेकिन बहुत मुश्किल से अभी पूर्व विधायक जी ने थोड़ी सी यहाँ पर 200 मीटर की रोड दी, ये दी, और 5-6 यहाँ पर टोटल अभी तक आर्टिजन लग पाए, पानी का साधन खेती करने लायक हुआ। लेकिन जो हमारी मेन मुद्दे जो है बिजली, जो विद्युत का है, बगैर जिंदगी जो है बगैर बिजली का जो है कुछ हो नहीं सकता है, कुछ भी बगैर बिजली का हो नहीं सकता भाई साहब, बहुत दिक्कत है। जंगली जानवर खेती करते हैं, जंगली जानवरों का जो है बहुत नुकसान हो जाता है, हाथी का, बंदरों का, और जानवर कई जंगलों के सारे जो है नुकसान कर जाते हैं, मेहनत बहुत है रात दिन की, और उसके बाद जब नदी में जो है 3-4 महीना जब नदी में पानी रहता है, तो बिंदु खत्ते का हमारे लालकुआ तहसील जाने का हमारा जो है रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है। और हमारी यह दूध डेयरी है, बरसात में यह दूध जो है हमारे यहाँ पर लालकुआ से दूध जाता है यहाँ से, क्योंकि शाम का दूध जो है फिर हमारा बेकार हो जाता है, जान नहीं पाता है, इसलिए आदमी, और यह साधन नहीं है कि दूध को हम कामयाब लगाएं, दूध वो कामयाब हो नहीं पाता है, इसलिए जो है दूध का व्यवसाय भी हल्का है इसी वजह से। जब सरकारों से जो आपने मांग करी है उसका कितना असर देखने को मिला? सरकार से अभी हमने मांग, तटबंध की मांग करी, बीच में 11 में फिर यहाँ पर आपदा आई, हमारे यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला विद्यालय था, वो विद्यालय भी हमारे 11 की आपदा में बह गया, एक सामुदायिक भवन बह गया, और 2 घरें यहाँ से बह गए, 2 परिवारों के घर बह गए, और बहुत सारी जमीन, मतलब कम से कम जो है 25-30 एकड़ से ऊपर ही जो है जमीन भी बह गई थी, कट गई थी। विद्युत की तो बहुत डिमांड है, उम्मीद है कि विधायक जी से क्या पता इस टाइम हो सकता है उनके कार्यकाल में, हमें उम्मीद है कि वो हमें विद्युत से हमें जरूर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा काम उनके तरफ से भी हो जाएगा, और नई गाँव में विद्युत, हाँ हमें उम्मीद है, लेकिन उनका भी अगर ऐसी रहा तो फिर उम्मीद है, उम्मीद पे है। तो चलिए, ये थे मेरे साथ धर्म सिंह कोरंगा जी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के पुराने लोगों में से हैं, और इन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई। चलिए और लोगों से सुनते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है। ये श्रीलंका टापू पहले बिंदु खत्ता क्षेत्र का खुरिया खत्ता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अक्टूबर 1985 में गोला नदी में आई भयंकर बाढ़ ने इस इलाके का भूगोल ही बदल कर रख दिया था। गोला नदी के तीव्र वेग ने अपनी खुद की दिशा बदलते हुए खुरिया खत्ता को काटना शुरू कर दिया, और काटते काटते इस टुकड़े को बाकी क्षेत्र से अलग करते हुए इसे एक टापू की शक्ल में बदल दिया। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका जैसा भूभाग होने की वजह से
यहाँ के लोगों ने इसका नाम ही श्रीलंका रख दिया, जो कि धीरे धीरे अपने इसी अनोखे नाम से जाना जाने लगा। मेरा नाम उमा कोरंगा है और मैं बिंदुखत्ता श्रीलंका टापू की निवासी हूँ। जी बताइए, स्कूल आप 5 तक का आपने कहाँ से पढ़ा? 5 तक सबसे पहले हमारे गांव पे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जिसमें मैंने 4 तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिर उसके बाद हम अपने शांतिपुरी 5 पे पढ़ते हैं, तो उधर से हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो ये इस वक्त जुलाई अगस्त में कैसे जाते थे, जब नदी आ जाती थी? जब तक नदी हम पार कर सकते थे तो हम अपने पापा लोग हमें पार करवाते थे बचपन में। उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता था और हफ्ते तक हम स्कूल नहीं जा पाते थे, तो फिर हम पीछे किच्छा से बहुत लंबा रास्ता तय करके स्कूल पहुँचते थे। कॉलेज में हमें हल्द्वानी ही रहना पड़ता था। इस सरकार से वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट उतना कुछ हुआ नहीं हमारे लिए। तो सबसे पहले मांग ये रहेगी कि हमारे गाँव में विद्युतीकरण की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहली मांग ये है हमारी कि यहाँ लाइट को देखा जाए, लाइट दी जाए। हमारे गांव में सड़क भी नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। सबसे पहली और जो मेजर समस्या है वो यहाँ पे जो बाढ़ आती है उससे हमारे खेत कट रहे हैं, हमारा गांव कट रहा है। तो सबसे बड़ी हमें जो ज़रूरत है अभी तटबंध की है। सबसे पहले मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यहाँ पे तटबंध लगाया जाए जिससे हमारा गाँव बचे और यहाँ के लोग बचे। उसके बाद दूसरी जो ज़रूरत है इस गाँव की वो है विद्युत की, जो काफ़ी सालों से यहाँ के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि विद्युतीकरण किया जाए और उसके बाद यहाँ गांव में छोटा मोटा विकास जैसे सड़क और प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक विद्यालय, इस तरह की सुविधाओं की मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा बारिश रुक गई है, उसके बाद कोरंगा जी मुझे ले चल रहे हैं कुछ गांव के कुछ और लोगों के पास, जिनसे हम उनकी समस्याएं जानेंगे। देखिए कितना खूबसूरत गांव है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश और दुनिया से कटा हुआ है और बारिश के दौरान तो ये बिल्कुल भी अलग हो जाता है। यहाँ के लोग 2-3 महीना यहीं पे इसी गांव में कैद होकर रह जाते हैं। बाकी राशन पानी थोड़ा बहुत जो भी होता है अपने 2-3 महीने का जुगाड़ कर लेते हैं। ये देखिए रास्ते, अभी बारिश 4 बूंद हुई है बारिश अभी, इसमें यह हाल है। देखिए अगर जब मूसलाधार बारिश होती होगी तो ये रास्ते कैसे हो जाते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं ये, फिसलन भी हो रही है, कीचड़ भी है। देखिए ये है श्रीलंका टापू की अंदर की हकीकत, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। मेरा चैनल आपको इसको दिखा रहा है, आप देखिए और इन लोगों की समस्याएं आप सुनिए। बाकी जितने लोग मिलते हैं मैं उनसे आगे आपको जोड़ता चला जाऊंगा। ये देखिए एकदम कोई ऐसा सिस्टमेटिक गांव नहीं है। आपको देखिए ये कुछ 4-5 घर ये झुंड में आपको ये नजर आ रहे हैं, हालांकि मकान तो पक्के नजर आ रहे हैं। देखिए खेती पशुपालन भी दोनों साथ साथ ही हो जाता होगा। देखिए गाय भैंस भी बदी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी सब लोग सोए होंगे, अभी 3-3.5 बजे का टाइम है। थोड़ा सा 5 बजे करीब कोई लोग मिलते हैं तो उनसे इनकी समस्या जानते हैं। तब तक हम चल रहे हैं आगे, कोरंगा जी हमें ले आ रहे हैं आगे। ये रास्ता नदी को जाएगा सीधे, जो नदी के उस छोर को ये रास्ता जो है, जब हमारे बरसात जब नदी में गोला में बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ से हम इसी रोड से जाते हैं। अच्छा, गोला में जब बाढ़ आ जाती है तो ये लोग शांतिपुरी और शक्ति फार्म को शक्ति फार्म को इस रास्ते जाते हैं, जब गोला में उधर पूरी बाढ़ आ जाती है। तो एक रास्ता फिलहाल भगवान ने इनके लिए खोला है, आगे जंगल का रास्ता पड़ता है, पूरा जंगल का रास्ता है। चलिए मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो भी थोड़ा सा गनीमत की बात, राहत की बात ये रही कि मौसम थोड़ा सा रुक गया है, बारिश थोड़ा होकर के रुक गई है। और मेरा थोड़ा सा मुझे अपनी रिपोर्ट बनाने में और लोगों तक जनसंपर्क करने में मेरे को आसानी होगी। ये देखिए ये आ गया जंगल, ये देखिए ये हाथियों के लिए ये लगा रखे हैं। देखो तार ये हाथियों के लिए है ना, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ जैसा। हाँ ये हाथियों
ये लोगों ने अपने पैसा खर्च करके ये हाथियों के लिए बाड़ लगा रखी है, लेकिन ये भी टूट गई है। तो हाथियों को करंट लगता है क्या इससे या वैसे झटका लगता है हाथियों को? ये देखिए आ गया जंगल, इससे आगे नदी थी साहब। अच्छा, सन 1984 से पहले इसी में गोला थी। अच्छा, 84 से पहले इसी में गोला थी इस वाले में। अच्छा, 1984 से पहले इसमें गोला नदी थी। देखिए आप देख सकते हैं ये गोला नदी के पुराने अवशेष हैं। ये गोला नदी ये थी जिस गोला नदी ने इनके गांव को काटकर अपने लिए डाइवर्ट करके रास्ता बना दिया, इसीलिए इसको श्रीलंका टापू कहा जाता है। श्रीलंका टापू नाम रखने से पहले ये बिंदुकत्ता का खुरिया खत्ता क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन जब से ये एक टापू सा बना तो लोगों ने श्रीलंका के नाम पर मिलता जुलते नाम पर मिलती जुलती भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से इसका नाम श्रीलंका टापू रख दिया। तो तब से ये श्रीलंका टापू के नाम से ही फेमस हो गया। आज भी अखबारों में आप देखेंगे और न्यूज़ मीडिया में आप देखेंगे इसको श्रीलंका टापू के नाम से ही जाना जाता है। तो बहुत अभी और लंबी कहानी है, वो हम आगे चल के लोग जितने जुड़ेंगे हमसे। देखिए पूरा घना जंगल है, शीशम का जंगल लग रहा है ये। देखिए देखिए भीम क्या कहते हैं, धर्म सिंह कोरंगा जी बेचारे सो रहे थे, मैं बे टाइम पे पहुंच गया, लेकिन इन्होंने उठकर मेरा पूरा सहयोग किया है, मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ लोगों से मिलवाने के लिए। तो इनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ आगे तक जाए और आप लोगों को भी न्याय मिले और आप लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी जी जो हम लोग जी रहे हैं उस तरह की ज़िंदगी आपको जीने को मिले, आपको भी भरपूर सुविधाएं मिले। स्कूल नए हो गोला होने गोल बनने बचने स्कूल खुलना तो बाद नहीं भी घर में पढ़ा करना लाइट नहीं भी हाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं है हमें बोलते थे मांगे तो सब होना लेकिन यो कनोल शो कनोल में नहीं गए। आदम पंख में पड़े हम यहाँ तस्वराने मोटर चलना हमारे पास कुछ नहीं अपना हाथ है जैसे से अब बचना किताब पढ़ा कोनो गर्मी पछना तो लानन केला पना केला पढ़ना हाँ अब ये स्कूल जा कोनो बीच में गोल आ जाने चिंता चिंता है। सर यह एक छोटा सा गांव श्रीलंका टापू है, यहाँ जो है ये काफी पुरानी बसावट बिंदुकत्ता के साथ का ही गांव है। ये पहले जो है बिंदुकत्ता और श्रीलंका टापू एक ही हुआ करता था, बीच में नदी आने के कारण ये हिस्सा कट के अलग हो गया, तो कुछ लोगों ने इसका नाम श्रीलंका टापू रख दिया, तो तब से ये श्रीलंका टापू नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज तक कई विगत कई वर्षों से कई सरकारें आ गई, कई चुनाव हो गए, मगर विकास के नाम से अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। काफ़ी हमारे नवयुवक बेरोजगार यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि व्यवस्था कुछ है ही नहीं, न बिजली पानी है, न सड़क सुविधा है, न आने जाने की सुविधा है, मतलब सुविधा नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। और इस तरफ से यहाँ पर जंगल भी पड़ता है, जो कि काफ़ी जंगली जानवर इत्यादि यहाँ से जो है फसल पानी को चौपट भी कर जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं हो जाएं, लेकिन कहते तो सभी हैं कि यहाँ पर सुविधाएं हो जाएंगी, ये भी हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। खाली बस यहाँ जो है लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जैसे वैसे ही यहाँ पर आते हैं और पिकनिक मना करके चले जाते हैं, विकास के नाम से एक खाली फर्जी मार जाते हैं और कुछ विकास यहाँ पर नहीं अभी तक नहीं है। रोड नहीं भी और लाइट नहीं भी, नन्हू यू सुल जाए तो वो चौपट हुआ चौमास हूँ बाल में घाय कहाँ जाएंगे बच्चे। कब तक दुख तकलीफ? दुख तकलीफ कभी बुखार आएगा तो बुखार यह न डॉक्टर न पारी करना पड़ता है, फिर घर नहीं ठहरा, बच्चे भी वही अटके यहीं, हम भी यहीं अटके, कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं। और क्या क्या मांगना क्या चाहते हो, क्या क्या होना? हमको तो सब कुछ चाहिए था, होने को तो लाइट भी चाहिए थी, रास्ता भी चाहिए था और उनकी सुविधा भी चाहिए थी, स्कूल स्कूल इलाज भी होने के लिए, दवाई होता तो अच्छा ही था, अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बीच में पड़ गए ना हम, नहीं उधर ना उधर
चलिए मिली जानवर आते ही घर में सुअर भालू हाथी ये सब कुछ। बरसात आने वाली है, बच्चे स्कूल जा पाते हैं नहीं, यहाँ ना यहाँ रोड है ना बिजली है, सभी चीज की तो समस्या है। कभी कोई यहाँ बाढ़ पीड़ित आती तो अभी एक भागने का नंबर आएगा। घर में रहते कितने दिन तक तो घर में रहना पड़ता है, यहाँ से कोई डॉक्टर बुलाने के रास्ता भी नहीं है। वो भी कहाँ जा पाते, घर में रहते हैं। शक्ति फार्म जाने के लिए भी कहीं गाड़ी भी नहीं मिलता, और तो और घर में ही पैदा होने को तो चाहे 10 दिन रहते हैं घर ही रहते हैं। अच्छा, बरसात आ गई तो कहाँ ले जाएंगे, इधर भी तो बाढ़ आती है। हाँ, आगे भी समस्याओं के साथ ही जीने को मजबूर मजबूर है। फिर पहले आजकल बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने वाले हैं ना, हमारे पास उजाला है, और इतनी बड़ी गोला नदी को इधर वो पकड़ बढ़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। कल के दिन कट गया तो उसके लिए भी बाढ़ चाहिए हमको, लाइट बच्चों के लिए चाहिए हमको। मेन चीज तो हमके लिए एक बार ये तटबंधन और हमारा ये लाइट आ जाती बच्चों को थोड़ा बहुत जीने का सारा ही यही था हमारा अभी तो। इस वजह से यहाँ पर आप शादियां भी नहीं हो पाती होंगी, अगर कोई अपने लड़कों की आपने शादियां करनी है तो कैसे होंगी शादी? शादी कहाँ से होती है, ये लड़के तो हमारे मन पसंद बाई चांस इधर उधर चले गए, तब यहाँ तो कोई लड़कियां ही नहीं देते हमारे वहाँ। मैं समझता था कौन कौन देता लड़कियां, कहते ना यहाँ लाइट है ना यहाँ रोड है ना यहाँ गोले में नदी में लड़कियां कौन देगा। सीधे ऐसे बोलते हैं, कोई देती नहीं यहाँ लड़कियां, वो तो लड़के जरा इधर उधर जाके अपने मन पसंद करके ला जाते हैं। अच्छा, बस वही बस, बाकी रिश्ता कहने को अगर कोई एकदम लड़कियां लेके जाते हैं, लड़कियां देने को लेके जाएंगे, लड़कियां ले जाते हैं, लड़कियां देना नहीं चाहते। बस यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नया नवेला कहा जाने वाला उत्तराखंड राज्य आज 23वें वर्ष में अपनी पूर्ण यौवनावस्था में आ चुका है, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर करें तो हर जगह बुनियादी सुविधाओं का भी टूटा नजर आता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादों की राह देखते देखते लोगों की आंखों का पानी तक सूख जाता है, और तब तक फिर से अगला चुनाव सामने आ धमकता है, और फिर शुरू होती है नए वादों की, नए आश्वासनों की एक लंबी लिस्ट। और इस बार ग्रामीणों को अपने नेताओं से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। इसमें बिंदुखत्ता में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्रीलंका टापू नाम से एक स्थान है जो कि गोला नदी के बाद पड़ता है, और वहाँ पे लंबे समय से लोग रह रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अभी वहाँ पर हम उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बीच में गोला नदी पड़ती है तो किसी भी तरह के जो है अभी बिजली की भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन चूँकि 15-16 वर्षों की रोक के बाद बिंदुखत्ता में हम लोग विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है, और श्रीलंका टापू के लिए भी विभाग के विशेषज्ञों से राय लेकर कि किस तरह वहाँ पर हो सकता है इसके प्रयास किए जा रहे हैं, और लगता है कि बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण खुलने से वहाँ के लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और साथ ही हम लोग उस क्षेत्र को भी बिंदुखत्ता के साथ ऐड करके, अभी बिंदुखत्ता में हम लोग वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया गतिमान है, तो इस क्षेत्र को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को भी अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिल सके। साथ ही अभी बरसात से पहले प्रशासन को मैंने निर्देश दिए थे तो उस पर वहाँ 3 माह के लिए, क्योंकि उस जब गोला में नदी में पानी आता है तो उस स्थान का संपर्क कट जाता है, तो वहाँ पर जरूरी सुविधाएं, जरूरी आवश्यक सामान राशन दवाई वगैरह की 3 माह के लिए व्यवस्था करने के लिए मेरे द्वारा प्रशासन को निर्देश दिए गए थे, जिसमें उन्होंने वहाँ पर सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। और अभी हम लोग सौर ऊर्जा की कुछ लाइटों का वहाँ पर बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं ताकि एक काफ़ी हद तक उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। और हमारी सरकार के समय में ही वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्कूल की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन वो भी पानी में बह गया था उस समय बनने के बाद। अभी जब पिछले वर्ष जब अतिवृष्टि हुई थी, काफ़ी बारिश हुई थी, उस समय भी मैं वहाँ पर गया था, और शासन प्रशासन से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो संभव मदद हो सकी हम लोगों ने की है। आगे भी लगातार श्रीलंका टापू क्षेत्र के लिए हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, और जैसे भी वहाँ पर चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे वहाँ की ज़मीनों का मालिकाना हक हो, या अन्य सुविधाएं जो वहाँ पर जो सड़क से लेकर
पानी तक जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं अस्पताल में उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी ये सुविधाएं वहां पर होंगी। सबसे पहले आपका स्वागत। श्रीलंका टापू की समस्याएं गंभीर हैं, इसमें दो राय नहीं। 2002 में जब मैं विधायक था, पंडित नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने तेंदुखत्ता के साथ श्रीलंका टापू को भी जोड़ते हुए 5 करोड़ का बिजली का प्रोजेक्ट बनाया था। बीच में उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विवाद पैदा हो गया, तो वो काम टूट गया। अच्छी बात यह है, जब उस समय एक भयंकर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में, गौला नदी की बाढ़ में, श्रीलंका टापू में जो स्कूल बनाया था हमने, प्राइमरी पाठशाला, सामुदायिक भवन, वो बह गए और बिल्कुल गौला का कटाव श्रीलंका टापू की ओर हो गया। उस वक्त मैंने और वन विभाग से बहुत मजबूती से तटबंध बनवाए, जिसके कारण ही आज श्रीलंका टापू की सुरक्षा हो रही है बाढ़ से। जब नगर पालिका बन रही थी तेंदुखत्ता, उस समय की वहाँ के लोगों ने डिमांड थी कि हमें भी नगर पालिका में शामिल किया जाए, तो उसका भी प्रस्ताव हमने सरकार में रखा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नगर पालिका वापस देनी पड़ी। और उनकी समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन जो चीज़ है उसका उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और वहाँ पर सोलर लाइटें भी लगाई, वहाँ पर डेयरियाँ भी हैं, दूध समितियाँ भी हैं, और जो भी संभव मैंने गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती थी वो उनको दिलाई, मुख्यमंत्री राहत को उससे भी पैसा दिलाया। ये छोटे मोटे काम तो उनके होते रहे, लेकिन उनकी जो अहम समस्या है वो तो बाढ़ सुरक्षा के लिए तटबंध बनाना, उसमें तो इतने भयभीत हो गए थे लोग श्रीलंका टापू से कि हम तो बिल्कुल जा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ताकतवर तटबंध वहाँ बना करके हमने श्रीलंका टापू को बचाया है। और मैंने बिजली के बारे में आपसे कहा कि वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ की जो मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हम चाहेंगे कि सरकार प्रयास करे। क्या हो सकता है उसमें क्या हो सकता है? सुझाव मांग रहे हैं, वो सुझाव मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सुझाव तो देखो ही कि ऐसे किया जा सकता है, तो हम करने को तैयार हैं कह रहे हैं। नहीं, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसमें वनाधिकार नियम अधिनियम 2006 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो श्रीलंका टापू को भी उसमें शामिल करके वहाँ के लोगों का भी सर्वे वर्वे करा करके प्रस्ताव बनाए जाए। और बिजली आदि की समस्या का समाधान ये बहुत सरल तो नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन उस समय हो जाता तो हो जाता श्रीलंका टापू की व्यवस्था, क्योंकि तेंदुखत्ता का एक अंग है श्रीलंका टापू भी, बिल्कुल है, इसलिए श्रीलंका टापू को भी वही सुविधा प्रदान की जाए जो तेंदुखत्ता को की जाती है, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, आदि आदि, शिक्षा सस्ता है, स्वास्थ्य है, ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका टापू कोई अलग नहीं है, वो तेंदुखत्ता का ही अंग है, वो खुड़ियाखत्ता का ही अंग है, खुड़ियाखत्ता से जुड़ा हुआ है, तो ये सब सुविधाएं उनको प्रदान करने की मांग हम करते हैं सरकार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य देने के लिए। एक घर और है, यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में लोग रहते हैं, आप खुद देख सकते हैं। गांव के लिए रास्ते तक नहीं है, बिल्कुल पैर धंसा जा रहा है रेत में। मिट्टी भी थोड़ा सा मुझे चिकनी और बलवी टाइप की मिक्स लग रही है, इसमें थोड़ा सा गीली होने पर पैर धंस रहा है। तो कैसे लोग जाते होंगे, कैसे लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीते होंगे आज इस 21वीं सदी में, जहाँ पर जो फ्रंट लाइन की जो शहर है, फ्रंट लाइन के जो कस्बे हैं, वहाँ पर वो लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, लेकिन हमारे ही उत्तराखंड के, हमारे ही विधानसभा के एक इस हिस्से के लोगों को इस तरह से जीवन यापन करते देखना बड़ा दुख लगता है। देखिए, एक घर और आ चुका है, गाय बधी भी नज़र आ रही हैं, तो इससे लगता है कि पशुपालन भी यहाँ की आर्थिकी का जरिया हो सकता है। बाजार दान में समस्या ही समस्या, कोला बीत, कोई रास्ता नहीं, रोड नहीं, लाइट पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, बाकी क्या करें। हाँ,
फैली तो हमारा लाड है मां से। वो एक तो ये रोड पार देखा है, रोड यहीं से आए होगे, आ तो सुबह में वहां सारा हल्ला करके आए। अच्छा सुना हो तुम फल वो वहां से घूम रहे हो पाटो पाटो। हाँ लाइट पानी नहीं है यहाँ और रोड रास्ता ऐसा है, ये रास्ता अभी पार गए हम, बड़ी परेशानी से आए वहाँ से, चलने में दिक्कत हो रही थी, राशन पानी आटा आटा पीसने के लिए परेशानी होती है, जानवरों के लिए वो लेके पशु आर आर मतलब लेने के लिए दूध जाना वो लेने के लिए परेशानी होती है। कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ बोलो, आपकी क्या समस्या है? कुछ नहीं कहेंगे? समस्या समस्या है, गोले का है मीन, तो बरसात के टाइम पे बच्चों का आना जाना रुक जाता है और आंगनबाड़ी में सामान आता है उसकी दिक्कत है, फिलहाल तो बंद है, जब आया तो उसकी दिक्कत है, अगर 3 महीने का इकट्ठा हो जाता तो वो सही रहता। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। बाकी कभी दुख तकलीफ कहीं अचानक इमरजेंसी जाना हो और नदी आई हो फिर क्या करेंगे? वही तो सर, वही ज्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए कोई साधन हो जाते थे। साधन नहीं है तो आप लोग एक कार्यकर्ती होने के नाते आप लोगों को दिक्कत क्या क्या सामना करना पड़ेगा? सर दिक्कत यही ठहरी गांव में, पूरे गांव की दिक्कत ठहरी। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी सेंटर में? सर बच्चे तो कम ही है, मिनी केंद्र है ये, जनता कम है, कुल मिला के 0 से 6 वर्ष के 17 बच्चे। 17 बच्चे? 17 बच्चे काफी होते हैं, कम नहीं है न? वैसे 3 तक पंजीकृत है यहाँ, वैसे तो बाहर स्कूल में जाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी घर और है, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं अपना वापस, क्योंकि शाम होने वाली है, मौसम भी खराब हो रहा है। अंधकार में डूबा हुआ है गांव, ये ना इधर जाने का रास्ता, ना उधर जाने का, ना लाइट ना फाइट, अब बुढ़ापा आ गया, अब शायद मर के ही आएगी लाइट यहाँ मेरे ख्याल से, हमारे जिंदगी तक तो मुश्किल ही लग रहा है, क्या कहें फिर, और जिंदगी बिता दी हमने यहाँ पर, 20 साल के आए थे, 60 साल हो गए, अब कब आएगी मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है लाइट आना, यहाँ जो लाइट आ जाए कभी इसका भविष्य कुछ बनेगा, रोड और लाइट ना मेन चीज तो रोड लाइट ही है। आपका नाम क्या है? नाम बहादुर सिंह। बहादुर सिंह आगे पूरा? बहादुर सिंह दसोनी। बहादुर सिंह दसोनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चक्की नहीं है, मैं मुसीबत हम लोगों को तो खाने पीने की होती है, बहुत दूर दार में हम लोग जाते हैं, सरबत लेके चलते हैं, यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं है, और भारत सरकार से हमारे कहना है अगर ये थोड़ी सी पुल दे देते यहाँ तो बढ़िया हो जाता, लकड़ी का ही बना देते, अब देखो क्या करती है सरकार आने वाले टाइम में, उम्मीद तो लगाई है, चल करेंगे कहते तो नहीं है, और
केंद्र सरकार तो कर ही रही है, राज्य सरकार देखो क्या करती है। अच्छा, ना स्कूल है हमारे पास, ना यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं, और दूसरी बात हमारी खेती भी अब जाने को तैयारी है, भूमि कट रही है, ना गठबंधन है, कई साल से यहाँ पर गठबंधन भी नहीं हुए। और देखिए ये है आपकी डेयरी, यहाँ की डेयरी है, देखिए श्रीलंका, ये देखिए दूध की बाल्टी में भी श्रीलंका ही लिखा हुआ है। तो मैं अभी पूछता हूँ, जब यहाँ नदी आ जाती है तो दूध सबका गाड़ी रुक जाता है, ज्यादा नहीं अब फट जाता है, बहुत परेशानी है, दूध जा ही नहीं पाता है। शाम का दूध घर रहने से उनको आर्थिक नुकसान होता है, शाम का दूध घर रहने से उनको बहुत परेशानी होती है, आर्थिक नुकसान होता है। और कितना दूध कलेक्ट हो जाता है एक दिन में? दोनों टाइम का 115 लीटर, 120। 115 गाड़ी कहाँ आती है? छोटे छोटे बच्चे जो अभी 6 साल के हो गए हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं गोले की परेशानी की वजह से। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं जा रहा हूँ वापस इस गांव के लोगों को इनकी समस्याओं के साथ छोड़कर, क्योंकि ये सब मजबूरी है, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक शासन प्रशासन अलर्ट ना हो, और गांव वाले भी अपनी इन समस्याओं के साथ जीने को मजबूर है। और हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को इकट्ठा करके लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन बाकी काम सरकार का है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, अब मैं जाता हूँ, मुझे नदी पार भी करनी है क्योंकि नदी थोड़ा ज़्यादा आ गई होगी बारिश की वजह से। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है ये, कोई नॉर्मल पलायन वाला या नॉर्मल गाँव की समस्या वाला मुद्दा नहीं है, ये एक लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसी के साथ गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका सहयोग देने के लिए मुझे, और एक अनजान व्यक्ति को गांव में आपने इतना घुमाया, इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी दादी, हाँ ठीक है, नमस्कार है, ओके। देखिए लोग इस तरह से, अभी नदी कम है तो आसानी से आ जा रहे हैं, जब नदी बाढ़ ज्यादा आ जाती है तो कैसे लोग अपने इस राशन पानी ये सामान लेके आते होंगे? अच्छा, तो क्या अब ये बाढ़ आएगी, बारिश नदी आ जाएगी तो फिर कैसे करोगे, सामान वामान कैसे लाओगे? तभी तो ये रख रखना पड़ता है। तो इससे कहाँ हो जाएगा, एक दो महीने का थोड़ी काम चल जाएगा। अकेले हूँ। हैं? अकेले हूँ। अच्छा अकेले हैं, बच्चे घर में नहीं है बाहर। अच्छा है। बच्चे बाहर है, अरे करना ही पड़ता है, बड़ी समस्या है यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकले। चलिए देखा जाएगा, ये देखिए रेत आ गई यहाँ पर, गाड़ी फंस गई, ओह थैंक गॉड निकल गई, देखिए थैंक यू वेरी मच।